इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में 1500 से ज्यादा इसराइलियों की मौत की खबर है। वहीं ऐसा दावा किया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया है। हमास द्वारा लोगों को बंधक बनाए जाने पर पीड़ित परिजनों ने अब बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। यह प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। कई दिनों से बंधक बनाए गए लोग अभी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि उनके संबंधियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुके हैं और हम यहाँ हैं, लेकिन हमास द्वारा बंधक बनाए गए हमारे लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके जीवित होने का निशान या संकेत कुछ नहीं मिल पा रहा है। 7 अप्रैल को हमास ने किया था हमला। 200 से अधिक लोगों को बनाया गया था बंधक। दर्जनों इसराइलियों की गई थी जान। लोगों का कहना है कि दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारी मदद करनी चाहिए। हम अपने बंधकों को छुड़ाने और उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने हमला कर 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। वहीं दर्जनों इसराइली इस हमले में मारे गए थे। लोगों का कहना है कि हमास ने हमारे परिजनों को बंधक बनाकर जीवन नर्क बना दिया है। बंधकों को वापस लाना चाहिए। नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन राजनीतिक अस्तित्व की कर रहे हैं परवाह, नहीं कर रहे हैं इसराइलियों की रक्षा। तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार अब दर्जनों लोग बंधकों और उनके परिवार वालों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संकट से निपटने के तरीकों को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के बजाय अपने राजनीतिक अस्तित्व का अधिक परवाह करने का आरोप लगाया है। वहीं इजरायलियों ने बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों तक नहीं पहुंचने के लिए नेतन्याहू की भी आलोचना की है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से एक परिवार के सदस्य द्वारा तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के बाहर शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग जुड़ गए। विरोध कर रहे लोगों के पास पिछले हमास द्वारा किए गए बड़े हमलों के बाद लापता या बंदी बनाए गए लोगों के नाम और तस्वीरें हैं, जिनमें 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। प्रदर्शन के दौरान अन्य लोग इजरायली झंडे और बैनर लहराते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विनाशकारी विफलता के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मलबे में बदलता जा रहा है गाजा। इसराइल के गाजा पर जवाबी कार्रवाई ने गाजा को मलबे में बदल कर रख दिया है। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 लाख फिलिस्तीनियों का घर तबाह हो चुका है।